दोस्तों, मैं प्रियांशु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकी ब्रेन के एक और नए वीडियो में ही। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नोकिया वन प्लस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली स्मार्टफोन के बारे में कुछ रूमर्स, कुछ लीक्स और कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक होके आए हैं, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैं आपको फुल इसका डिटेल बताऊंगा जो भी अभी तक इसका रूमर्स और लीक्स निकल के आया है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले नोकिया वन प्लस की बात करें तो इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसका जो प्राइसिंग होगा वो 3000 के अंदर का होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन होगा नोकिया वन प्लस, ये सीधा सीधा मतलब जियो का जो फोन होगा, जियो फ्लेक्स, उससे टक्कर लेने के लिए शायद बनाया जा रहा है। बिकॉज इसका जो प्राइसिंग होगा वो 3000 से कम का होगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के साथ आएगा, यानी कि गूगल इसको खुद ही मतलब अपडेट और सब सारा चीज देगा। इसीलिए स्मार्टफोन एंड्रॉइड 9 पाई के साथ आने वाला है। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो इसमें आपको 5 इंच का आपको 18:9 रेशियो का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। क्वाड कोर का मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम घटिया होगा, मेगापिक्सल से ही लग रहा है। इसमें आपको 3000 mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, 1 GB का रैम, 8 GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, और जो कि काफी ज्यादा अच्छा बात है। 3000 के स्मार्टफोन में आप क्या उम्मीद कर सकते हो, बिकॉज 3000 में तो कोई अच्छा वाला सैमसंग का फीचर फोन ही आता है। तो यहाँ पे आपको स्मार्टफोन दिया जा रहा है, तो देखते हैं यहाँ पे कैसा निकल के आता है स्मार्टफोन एक्चुअली में। और इसका जो लॉन्च डेट है वो मार्च में रखा जा सकता है, Q1 मार्च में। तो देखते हैं ये फाइनली कैसा निकल के आता है स्मार्टफोन और इसको लोग कैसे चाहते हैं, या फिर ये फिर भी नोकिया 3 या फिर नोकिया 6 या फिर नोकिया 6.1 प्लस की तरह ही फ्लॉप कर जाता है। तो देखते हैं ये क्या होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। हाँ, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।